तो कुरुक्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, गांव बारना में भ्रूण मिला है। भ्रूण मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। कुत्तों ने भ्रूण को नोच कर सड़क पर फेंका। स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। तो कुरुक्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गांव बारना में एक भ्रूण मिला है और भ्रूण मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। साथ ही आपको बता दें कि कुत्तों ने भ्रूण को नोच कर सड़क पर फेंक दिया। तो स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच जो है शुरू हो चुकी है। तो ये भ्रूण कहां से आया, एक बड़ा सवाल। तो गांव बारना में भ्रूण मिला है, भ्रूण मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है। कुत्तों ने भ्रूण को नोच कर सड़क पर फेंका और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। तो कुरुक्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बारना गांव में एक भ्रूण मिला है और भ्रूण मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। तो फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है कि ये भ्रूण कहां से आया और भ्रूण मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। तो कुत्तों ने भ्रूण को नोच कर सड़क पर फेंका और ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है। बारना गांव में ये भ्रूण मिला। तो भारत साबरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारत, आपसे पूछना चाहूंगी, क्या कुछ पूरा मामला है, जिस तरीके से भ्रूण वहां पर मिला है, क्या अभी तक कुछ पता चल पाया कि यह भ्रूण किसका था? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, ये भ्रूण शायद देर रात किसी के द्वारा खेतों में डाला गया था और खेतों से इसे कुत्ते जो है नोच कर सड़क तक ले आए। और सुबह जब ये गाँव के लोगों ने देखा तो गाँव में दहशत का माहौल उसी समय से है और लगातार पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग जो है इस मामले की जांच कर रहा है। और पुलिस अधिकारियों से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि जल्द ही इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। और दूसरी बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये जो भ्रूण मिला है ये लड़के का मिला है, तो बिल्कुल जाहिर के तौर पर आप इस बात को कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा मामला है जिसे परिवारजनों ने या लड़की ने अपनी इज्जत और अपनी साख बचाने के लिए जिंदा ही खेतों के बीच में मरने के लिए छोड़ दिया। जी, शुक्रिया भरत इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुरुक्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर गांव बारना में एक भ्रूण मिला है। साथ ही जैसे हमारे संवाददाता ने जानकारी दी कि वो भ्रूण जो है एक लड़के का बताया जा रहा है।